दरिंदगों की दरिंदगी की कोई सीमा नहीं रही है। मासूमों के साथ किस तरीके से ये दरिंदगी दिखा रहे हैं, 5 साल की बच्ची को भी नहीं बख्श रहे हैं। भोपाल का एक मामला जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा कर रख दिया है। भोपाल के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसे मारकर उसका शव प्लास्टिक की पानी की टंकी में रख दिया गया। जब पुलिस को यह शव मिला उसके बाद पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। आपको बता दें कि भोपाल के अंदर एक बिल्डिंग में फ्लैट में ये परिवार रहता था जहां पर 5 साल की मासूम बच्ची के साथ ये दरिंदगी का मामला है। आरोपी उन्हीं के घर के सामने रहता था। 1500 घरों की तलाशी पुलिस ने ली क्योंकि काफी लंबे वक्त से बच्ची के लापता होने की जो FIR है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। और उसके बाद जब पुलिस ने तलाशी ली कुछ दूर दूर तक नहीं मिला। 100 पुलिसकर्मी बच्ची की जो है खोज में लगे हुए थे और पुलिस को जब सामने वाले घर पर शक हुआ तो तलाशी ली गई। और हैरानी की बात यह है कि जब पूरे घर की तलाशी ले ली गई कुछ नहीं मिला, लेकिन पानी की टंकी को जब खोलकर देखा गया तो 5 साल की बच्ची का शव मिलता है। इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस जो है उसके घर के बाहर जाती है और उसके बाद शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का कहना यह भी है कि बलात्कार रेप होने की आशंका भी बच्ची के साथ जो है बताई जा रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें आरोपी के साथ साथ आरोपी की पत्नी और बहन को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने सबूत छुपाए, इसको लेकर उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कुछ कहना है, एक बार पुलिस को सुनिए। शाहजहानाबाद क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर उसमें तत्काल अपहरण का प्रकरण कायम किया गया और इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए लगातार लगभग 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार उस घटनास्थल के आसपास सर्चिंग करते रहे। उसमें पुलिस ने लगातार प्रयास किया। उस पूरे घटनाक्रम में आज उस सर्चिंग में पुलिस को सफलता मिली जिसमें कि ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के निवास स्थल के सामने ही एक जगह छुपा करके एक युवक के द्वारा उसको हत्या करके छुपा दिया गया था। उस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने न सिर्फ उसको बरामद किया बल्कि उसमें शामिल अन्य दो आरोपी हैं उनको भी पुलिस ने पहचान किया और तीनों आरोपियों को लगभग 1 घंटा के अंदर इस मामले के खुलासा होने के इसकी प्रकृति के खुलासा होने के 1 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच के लिए एक SIT की टीम एडिशनल DCP के नेतृत्व में गठित की गई है। साथ ही साथ इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें आरोपी को कठोरतम सजा दिलाई जाए। सर, किस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, बच्ची को किस तरीके से किडनैप किया, क्या पूरा? आरोपी चूंकि परिचित था, ऊपर में दोनों पड़ोस में ही रहते थे, बिल्कुल घर के सामने वाली उसी लेन में उसी फ्लोर पर सामने के फ्लैट में वो रहता था और वो परिचित था। उसने बच्ची को चूंकि बुलाया और बच्ची चूंकि जानती थी वो चली गई। इस दौरान उसने ये घटना कारित की और इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही गंभीरता से लिया गया। रेप भी किया गया तौर पर। प्रथम दृष्टया ऐसा संदेह है कि इसमें घटना हुई है और फिर उसने हत्या कर दी। दो अन्य आरोपी कौन है? इसमें दो अन्य लोगों को उसकी मां और बहन को इसमें इस बात के लिए आरोपी बनाया गया है कि उन्होंने घटना में साक्ष्य को छुपाने में भूमिका निभाई। घटना के बारे में अगर किसी को ज्ञात हो तो पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके से व्यक्ति इस तरह के गंभीरतम अपराध में किसी भी स्तर पर सहभागी हो या घटना को ढकने में छुपाने में साक्ष्यों को छुपाने में खासतौर पर अगर मत करता है तो वो भी बराबर भागीदार होता है। देखा आपने ये पूरा मामला, आपने देखा किस तरीके से घर के सामने जो उनके परिवार रह रहा था वो उनका सगा नहीं था। 5 साल की मासूम बच्ची को फ्लैट के अंदर खींच लिया जाता है और उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इतने लंबे टाइम से बच्ची नहीं मिलती है, FIR दर्ज की जाती है और पुलिस को उसका शव पानी की टंकी में मिलता है। तो अपने बच्चों के लिए सतर्क होने की जरूरत है। ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिकले मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।